डेटा में इंडेक्स ग्रुप जो है वो शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड फिल्टर में सबसे पहला ऑप्शन है ए टू जेड या जेड टू। ये जो है जितने भी नेम थे यहाँ पे जो है असद, सुहेल, कुदरत, यहाँ पे जो है अगर मैं ए टू जेड कर लूँ जितने भी नेम्स है, यानी सबसे पहले नंबर पर असद होगा, दूसरे नंबर पर बिलाल, ऐसे जितने भी सी डी ई जो है इसके अकॉर्डिंग नेम जो है वो जोड़ लेंगे। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है जेड टू ए, जितने भी नेम्स हैं सबसे पहले जेड, फिर वाई, फिर एक्स, यहाँ से जितने भी अल्फाबेट्स हैं इसके अकॉर्डिंग जोड़ लेंगे। तो आते हैं इसे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो असद, सोहेल, कुदरत ने जो है मौजूद है। मैं आता हूँ यहाँ पे ए टू जेड पर क्लिक कर, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर असद, फिर बिलाल, फिर मुनीब। अब आते हैं जेड टू ए पर क्लिक कर। जेड टू ए पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो है एस एस आर है, फिर क्यू आर है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो शॉर्ट। अतः शॉर्ट पर क्लिक कर, यहाँ पे जो है आप सेल कलर के मुताबिक आप टॉप पर जो भी सेल आप लाना चाहते हो उसे ला सकते हो, और फॉन्ट कलर के मुताबिक भी आप कर सकते हैं कि जो भी फॉन्ट आपको पसंद है, जो भी फॉन्ट आप टॉप पर लाना चाहते हो उसे भी ला सकते हो। तो आते हैं देखते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ कलर, सेल कलर, सेल कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी कलर मैं टॉप पर लाना चाहता हूँ उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो कलर है इसे मैं टॉप पर लाना चाहता हूँ, तो अतः ओके कर लेते। अब देख सकते हैं जो कलर मैंने वापस सेलेक्ट की यहाँ पे जो है वो टॉप पर। उसके बाद आते हैं फॉन्ट कलर, यहाँ पर फॉन्ट कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जो भी कलर, ये तो सही है, ये टॉपर नहीं है, तो आते ही यहाँ पर रेड को सेलेक्ट कर, रेड को सेलेक्ट करते ही यहाँ पे जो है मैं ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। फॉन्ट, ओ वो तो सेल कलर जो था, यहाँ पे मैंने कौन सा सेलेक्ट की देख लेते हैं। ओ फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर तो रेड है टॉपर, आते ही यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये जो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये जो फॉन्ट कलर था वो टॉप पर चला गया। और यहाँ पे आते हैं वापस इसी फॉन्ट कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे यही कलर से यहाँ पे सिर्फ आते हैं ऑन बॉटम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके। अब देख सकते हैं ये जो है बॉटम में आ चुका। और जो है फिल्टर, आते हैं फिल्टर पर क्लिक कर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी नेम्स हैं, यहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं ए टू जेड या जेड टू ए भी आप कर सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सेलेक्ट ऑल है, इसे मैं अनचेक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुनीर और सोहेल का डेटा है, बाकी जितने भी है वो हाइड हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मुनीब और सोहेल का जो भी डेटा था वो आ चुका है और जो बाकी है वो हाइड हो चुके हैं। इसे अनहाइड करने के लिए सिर्फ आप यहाँ पर क्लियर पर क्लिक कर लें, जो फिल्टर है वो। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एडवांस, आते हैं इस पर क्लिक कर लें।